हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने त्रिकोणमिति का जो सीरीज स्टार्ट किया था उसमें हमने चैप्टर 8.3 तक का सोल्यूशन पूरी तरीके से देख लिया था और आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 8.4 का सोल्यूशन करने से पहले हम उस चैप्टर से संबंधित कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमिका है यानी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है हम उसको पहले समझते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं कुछ सर्वसमिका की तरफ जो आपको समझना है। देखिए इस चैप्टर में हमें कुछ महत्वपूर्ण तीन जो है सो त्रिकोणमितीय सर्वसमिका है यानी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो हमें आना चाहिए इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले। तो देखिए सबसे पहला जो सर्वसमिका है त्रिकोणमिति का हम उसको समझते हैं। सबसे पहला जो होगा हमारे पास, आपको इसको चैप्टर को करने से पहले आपको ये फॉर्मूला याद रखना ही है, नहीं तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। तो जो ये देखिए पहला जो सर्वसमिका है आप याद रखिएगा, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये पहला हुआ। दूसरा सर्वसमिका जो है याद रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन। और थर्ड नंबर जो है वो ये देखिए यहाँ है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन। ये तीन सर्वसमिका है, ठीक है। और याद रखिएगा, देखिए ये थीटा जो है वो किसी पार्टिकुलर एंगल को शो कर रहा है, किसी एंगल को, हो सकता है यहाँ पर ए रहे, तो याद रखिएगा यहाँ पर एंगल ए ही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एंगल बी कर दिया तो यहाँ भी एंगल बी होगा। यहाँ पर अगर जैसे 30 डिग्री है तो यहाँ भी कितना होगा, 30 डिग्री। यानी एंगल समान होना चाहिए तब जा करके दोनों का सम, जैसे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम वन होता है, उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का जो डिफरेंस होता है वो वन होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी वन होता है। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा का और कॉट स्क्वायर थीटा का जो डिफरेंस होता है वन होता है, यानी दोनों का अंतर क्या होता है, वन होता है। अब याद रखने वाली बात यहां पर क्या क्या दिमाग में रखना है कि एंगल समान होना चाहिए, जैसे यहां 30 है तो यहां भी 30, यहां पर 60 है तो यहां भी 60, ये बात आपको रखना है याद। एंगल हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक प्रूफ करके दिखाता हूं कि देखिए अगर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन मैंने आपको बताया, तो सपोज कि मैंने एंगल ले लेता है थीटा इक्वल टू ले लेता हूं कितना डिग्री, 30 डिग्री ले लेता हूं, मैं ले लिया थीटा का मान 30 डिग्री ले लिया। तो देखिए हम यहां पर वैल्यू डाल देते हैं साइन स्क्वायर और थीटा का वैल्यू हम डाल देते हैं कितना डिग्री, 30 डिग्री, प्लस फिर है कॉस स्क्वायर और फिर हमने थीटा का मान डाल दिया कितना, 30 डिग्री, और इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं कितना आता है। जब इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो साइन 30 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1/2, और 1/2 का जब स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस कॉस 30 का मान हम जानते हैं कि √3/2 होता है, और √3/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो 3/4, और जब इसे ऐड करेंगे तो 4 का एलसीएम 4 आएगा, यहाँ से 4 से 4 डिवाइड करेंगे 1, और 1 का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 से फिर यहाँ पर 4 में भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 3 को ऐड करेंगे तो 3 4/4 कितना आ गया, 4 कैंसिल होकर कितना आएगा, 1। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आ रहा है। तो ये तीनों जो त्रिकोणमितीय सर्वसमिका है उसको याद रखिए। थोड़ा सा हम डिटेल्स में इस पर बात करते हैं, आइए इसको समझते हैं कि डिटेल्स में इसके बारे में हम क्या बताते हैं। देखिए गौर से देखिएगा, समझिएगा अच्छे तरीका से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो यह देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, हो सकता है 1 - cos² θ हो सकता है, क्योंकि cos इधर प्लस में था और इधर जाएगा तो ये क्या हो गया, माइनस में आ गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे केवल, तो ये जो स्क्वायर है स्क्वायर ये इधर आके क्या बना देगा, रूट बना देगा, और क्या हो जाएगा, 1 - cos² θ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार यहाँ से अगर हमने तो साइन स्क्वायर थीटा निकाल लिया, साइन थीटा निकाल लिया, कॉस कैसे निकालेंगे, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 - क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, √1 - क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो आगे इस चैप्टर में बहुत ज्यादा आपको काम देने वाला है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये पहला समसमिका था, हम इसे समझ लिया है। चलिए अब हम चलते हैं जो दूसरा समसमिका है इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट, हम उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा भी हमने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालू तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं सेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहूं तो ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बनाएगा, और ये स्क्वायर रूट बनने के बाद ये क्या हो जाएगा, वन प्लस, ये वन प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया किसकी वैल्यू, सेक की वैल्यू हो गई, ठीक है। और यहीं से अगर मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहूं, अगर मैं चाहता हूं कि टेन का वैल्यू निकालू तो क्या होगा, देखिए टेन का वैल्यू होगा, अगर मैं टेन को ले जाता हूं इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और वन को ले जाते हैं इधर तो ये हो जाएगा माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये टेन इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं यहां से टेन थीटा का वैल्यू निकालू तो क्या हो जाएगा, इधर रूट आ जाएगा, कौन सा रूट आ गया, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट, स्क्वायर रूट बना देगा, तो ये स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा, यानी रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को समझने के लिए आप इन सारे समीकरणों को, इन सभी फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। एक और नेक्स्ट फॉर्मूला है, मैं उसको भी समझाने का प्रयास करता हूँ, और आई होप आपको समझ में बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल आसान तरीका से आपको समझा रहा हूँ। अगला जो हमारे पास समीकरण है उसको जरा समझिए क्या है, ये देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो यहां से अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालता हूं तो ये वन प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक का वैल्यू जब मैं यहां से निकालूंगा कोसेक थीटा का, तो फिर वही बात है, यहां से रूट आ, यहां आपके स्क्वायर रूट बनाएगा और ये हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ, सॉरी ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आया होगा। और देखिए, तो यहां से मैंने कॉसेक का वैल्यू निकाल लिया, अब मैं चाहता हूं किसका वैल्यू निकालू, कॉट का। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां निकालता हूं, मैं लिखता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा, और वन को इधर लाता हूं तो माइनस वन हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर को इधर राइट साइड लाता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, जो माइनस में था वो ऐसे हो गया। अब मैं चाहता हूं किसका वैल्यू, कॉट का, तो अगर मैं कॉट थीटा का वैल्यू चाहता हूं तो ये स्क्वायर को इधर लाना पड़ेगा, जो कि स्क्वायर रूट बनाएगा, और रूट के अंदर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। तो ये तीन समीकरण था, तीनों समीकरणों को मैंने आपको डिटेल्स में समझाया। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला को आप कल याद करके रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर को कल सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, एकदम सरल भाषा में। आई होप कि आपको जरूर समझ में आएगा ये सारा क्वेश्चन चैप्टर 8.4, जिससे बच्चा को शायद बहुत ही डर लगता है क्योंकि इसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो एकदम निश्चिंत रहिए, मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाऊंगा बिल्कुल आराम से। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए, वीडियो को समझते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।